लाहौर में न्यूज वन से गुफ्तगू करते हुए आसिफ बाजवा ने कहा कि 30 साल से ज्यादा उम्र खिलाड़ियों पर ना खेलने की पाबंदी डोमेस्टिक हॉकी में लगाई गई है और ज़ीशान अशरफ के पास पीएचएफ पॉलिसी पर इख्तलाफी बयान देने का कोई हक नहीं। ज़ीशान अशरफ का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पॉलिसियों को डिस्कस करे, उसको अपने करियर पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में कोड ऑफ कंडक्ट जो है पीएचएफ का और एफआईएच का, उसकी ये सरीहन खिलाफवर्जी है। उस पर पीएचएफ ये सोच रही है कि इस पर इनको इनसे एक्सप्लेनेशन ली जाए और मैं ये समझता हूँ कि उनको ये अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरह ये स्टेटमेंट दी है। आसिफ बाजवा ने कहा कि पीएचएफ ने अपना ज़ाब्ता अखलाक मजीद मजबूत और मुअस्सर बनाने का फैसला किया है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन दीज इश्यूज, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि अब मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया और बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, बड़ा फास्ट हो गया ये काम। तो मेरे ख्याल में अब प्लेयर्स को हमें ज़्यादा आगाही देनी पड़ेगी इन मामलों पर कि किन चीज़ों पर उनको बात करनी चाहिए, किन पर नहीं करनी चाहिए।